हेलो फ्रेंड्स, आई एम संदीप पाटीदार फ्रॉम प्लेटिनम स्टडी क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक क्लोज सिस्टम, आइसोथर्मल क्लोज सिस्टम वर्क। तो सबसे पहले हम देखें कि आइसोथर्मल का मीनिंग क्या है। आइसोथर्मल का मीनिंग है टेम्परेचर इज कांस्टेंट। आइसोथर्मल है ना, आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट है आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन देखें हम क्या होती हैं, पी वी इक्वल्स टू एम आर टी। एम इज टेकन एज 1 kg, आर इज गैस कॉन्स्टेंट दैट इज कॉन्स्टेंट। ओके, कितने वेरिएबल बच रहे हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। हमने जो पहली प्रोसेस देखी थी वो थी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, दूसरी प्रोसेस थी कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तीसरी हम देख रहे हैं आइसोथर्मल यानी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिए, आपने एम आर को तो कर दिया कांस्टेंट, एम इज 1 kg यानी कांस्टेंट हो गया, एक वैल्यू है। कांस्टेंट का मीनिंग होता है एक वैल्यू। आर की वैल्यू एयर के लिए, आर की वैल्यू जो है वो होती है 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। एम इज 1 kg, टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, तो हमने देख लेना है क्या वेरिएशन आपको मिला है। अगर ये भी कांस्टेंट हो जाए तो राइट हैंड साइड की पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको क्या लग रहा है, राइट हैंड साइड कंप्लीट टर्म इज कांस्टेंट, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि एम आर टी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, जब मैं इसको कांस्टेंट लिख दूंगा तो पी वी भी क्या हो जाएगा, देयर फोर पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर किसी को इस इक्वेशन में दिक्कत होती है, हमेशा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या मीनिंग है, कैसे हम इसको समझे, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड की सारी वैल्यूज कांस्टेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से पी वी इक्वल्स टू हो जाता है कांस्टेंट। तो वेन एवर टेम्परेचर विल कांस्टेंट, पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब इस इक्वेशन को जैसे आप अगर 1 से 2 में लगा रहे हैं, 1 से 2, तो आप इसको लिख सकते हैं पी टू वी टू विल बी इक्वल्स टू पी वन वी वन। ये कंसेप्ट वाली बात थी। ठीक है, तो हम पहले तो देखें कि आइसोथर्मल को प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पर हम समझे कैसे। तो सबसे पहले हम दो केस लेंगे। पहला केस लेते हैं आइसोथर्मल हीट एडिशन और आइसोथर्मल हीट सप्लाइड एंड और आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो हम बोले आइसोथर्मल हीट सप्लाइड। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, जब आप हीट सप्लाइड करते हैं तो एक्सपेंशन होता है। देखो रिलेशन में आपको क्या मिल रहा है, पी एंड वी है ना, पी एंड वी, पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। इसका मीनिंग क्या है कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब है कि जब जब प्रेशर बढ़ेगा
वॉल्यूम घटेगा, वेन एवर प्रेशर विल डिक्रीज वॉल्यूम विल इंक्रीज। तो ये है आइसोथर्मल हीट सप्लाइड एंड, जब आप हीट सप्लाई करते हो तो गैसेस एक्सपेंड भी करती है, तो इसको हम इसलिए बोल सकते हैं एंड आइसोथर्मल एक्सपांशन। दोनों चीजें एक साथ होंगी, मतलब आप ये दिमाग में अपने रखें कि हीट सप्लाइड भी होगी और एक्सपांशन भी होगा, दोनों चीजें है ना। तो हम देखें इसको कैसे होगा, तो डायग्राम में जो है यहां पर बनाऊंगा पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम, और उसके साथ में एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखिए मतलब इसमें है आइसोथर्मल हीट सप्लाइड एंड आइसोथर्मल एक्सपांशन। इसका मीनिंग क्या है कि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए हीट को सप्लाई कर रहे हैं। सर हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं कि मतलब, या हमने कभी ऐसा सुना नहीं कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो और हम हीट को सप्लाई कर दें। हीट इज़ ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर रिजर्वायर टू लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर। सर ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट का सप्लाई कैसे हो रहा है? जब आप हीट सप्लाई करोगे तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर भी हीट का सप्लाई होता है। मैं आपको एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि आइस वाटर से जब आप आइस बनाते हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बनाते हैं, जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। बिल्कुल रिवर्स, अगर आपके पास आइस है, आइस से वाटर बनाना चाहते हैं तो वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल पे ही होती है। आगे हम इसमें एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, ठीक है। तो पीवी डायग्राम आप देखिए, इसका मतलब क्या है, जब जब प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पर देखिए ये बीच में जो है वो हमारे काम की चीज़ें हैं जो दोनों तरफ हम यूज़ करेंगे। तो वेन एवर प्रेशर विल इंक्रीज वॉल्यूम विल डिक्रीज एंड वेन एवर प्रेशर विल डिक्रीज वॉल्यूम विल इंक्रीज। मतलब अगर हम पीवी डायग्राम देख रहे हैं तो इस पीवी डायग्राम पर आपको प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं। देखिए अगर हम पीवी डायग्राम पर देखें तो जब मैं लाइन को ऐसे कर्वेचर बनाऊं, है ना, अगर मैं सीधी लाइन ड्रॉ करूंगा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर में वेरिएशन नहीं होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। लाइन को अगर मैं सीधी ले जाऊं ऊपर, वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर ले जाऊं तो क्या होगा, वॉल्यूम इज कांस्टेंट बट प्रेशर इज इंक्रीजिंग। तो अब आपको क्या बनाना है, पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मतलब प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम घटाओ, या वॉल्यूम घटाओ प्रेशर बढ़ाओ। तो सबसे पहले तो हम देखें कि ये होगा कैसे, मतलब जो है आप ऐसा सोचें कि यहाँ पर आपने क्या करा। अच्छा चलो उसी के डायग्राम के साथ बताऊंगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप हीट सप्लाई करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ेगा, वो प्रेशर क्या करेगा, वॉल्यूम घटाएगा, ऐसा होगा नहीं। जब आप हीट सप्लाई करोगे, देखो dS इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी, ओके। पहला एक तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। दूसरा यहाँ पर जब आप हीट सप्लाई करोगे तो क्या होगा, हीट सप्लाई में क्या होगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज। भाई देखो होगा क्या, जब आप हीट सप्लाई करोगे हमें कैसे पता लगेगा कि कर्व जो है सर वो इधर आएगा, मतलब लेफ्ट टू राइट जाएगा या राइट टू लेफ्ट जाएगा, क्योंकि ये चीज़ तो हमें पता लग गई कि दोनों इनवर्सली है। अगर मैं यहाँ से ऊपर ले जाता हूँ कुछ इस तरीके से, ये वाली लाइन, अब मुझे एरो डिसाइड करना है कि या तो एरो इधर से इधर आएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एंड प्रेशर इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग प्रेशर इज इंक्रीजिंग, फर्स्ट वाला केस है। दूसरा केस क्या है, कुछ इस तरीके से, तो मैंने क्या लिखा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो जब आप हीट सप्लाई करते हैं तो गैसेज हमेशा एक्सपेंड करती हैं, जब आप हीट सप्लाई करेंगे आइसोथर्मल कंडीशन में तो गैसेज हमेशा एक्सपेंड करेंगी। तो गैसेस कहाँ एक्सपेंड करेंगी, जब वॉल्यूम बढ़ेगा। एक्सपेंशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम विल इंक्रीज, ये एक्सपेंशन का मतलब है। हीट सप्लाई करोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज एंड
प्रेशर विल डिक्रीज, प्रेशर विल डिक्रीज। तो ये कंडीशन किसकी है, जब आप हीट सप्लाई करोगे तब, ठीक है। आपने हीट सप्लाई करी, वॉल्यूम, वॉल्यूम विल इंक्रीज, प्रेशर विल डिक्रीज, एक ही लाइन आ रही है, देखो यहाँ से, ये रही, दिस इज पॉइंट वन, इसको कह दिया आपने पॉइंट टू। यहाँ पर देखिए, दिस इज वॉल्यूम वी वन, दिस इज वॉल्यूम वी टू, और प्रेशर देखिएगा, प्रेशर इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग, दैट इज पी वन एंड पी टू, पी वन एंड पी टू। इसका हम जो है पिस्टन सिलेंडर डिवाइस से आपको क्लियर होगी चीजें। है ना, पिस्टन यहां पर था पहले, पिस्टन यहां पर था, और फाइनली पिस्टन कहां पर गया है, यहां पर। दिस इज वॉल्यूम, ये वॉल्यूम दिखा रहा है, दिस इज वॉल्यूम V1, यहां पे जो वॉल्यूम है दैट इज V1। सर गैसेस कहाँ से आई, आप सोचोगे कि गैसेस कहाँ से आई, और इसको आप ऐसे बनाएंगे डॉटेड से, मतलब ये एक्सपेक्टेड है कि ये स्टेट टू पर एसी पोजीशन में आएगा, है ना, स्टेट टू। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पिस्टन जो है वो ट्रेवल करेगा, तो आइसोथर्मल एक्सपांशन। सर यहाँ पर आइसोथर्मल कैसे हमें पता लग रहा है, भाई साहब ऐसा है कि आप सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको आपको हीट सप्लाई करना है तो आप इसको कर देंगे इंसुलेट, आपने इसकी बाकी सब सरफेसेस को कर दिया इंसुलेट। ये क्या है, पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, है ना, यहाँ पर भी आपने कर दिया इंसुलेट, ये क्या है इंसुलेशन, इंसुलेशन। अब आपको हीट सप्लाई करना है, इसमें हमारी कंडीशन है आइसोथर्मल हीट सप्लाई। हीट सप्लाई करेंगे तो जो दूसरी टर्म है ना आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वो ऑटोमेटिक मिलेगा। हीट सप्लाई कहाँ से करें, इसको तो हमने इंसुलेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपने हीट सोर्स लगा दिया, ये यहाँ पे क्या है, हीट सोर्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कंडक्टिंग सरफेस, ये क्या है, कंडक्टिंग सरफेस, ये कंडक्टिंग सरफेस है। तो कंडक्टिंग सरफेस है तो यहाँ पर क्या है, सोर्स है, यहाँ पर क्या है, हीट सोर्स, दिस इज हीट सोर्स, ये क्या है, हीट, हीट सोर्स। सर ये हीट सोर्स समझ में नहीं आया क्या है, हीट सोर्स है ना, आप यहाँ पर हीट को जो है हीट जनरेट कर रहे हैं, जैसे कंबसन चैम्बर हो गया, कंबसन चैम्बर के अंदर आप क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, है ना, तो कंबसन चैम्बर हो गया, यहाँ पर हीट आप सप्लाई कर रहे हैं, किस पर, एट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यहाँ पर टेम्परेचर इज टी सी, मतलब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर, टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना। इसी को थोड़ा सा ये स्पेस यहाँ पर कम ले लिया अपन ने, थोड़ा इधर लेना था, पर आप ध्यान से समझेंगे सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कोई हीट सोर्स है, मतलब कंबसन चैम्बर है, इस कंबसन चैम्बर से हम पाइप के थ्रू या किसी भी डिवाइस की हेल्प से हम इस सिलेंडर के अंदर गैसेस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसको जो ट्रांसफर हम कर रहे हैं गैसेस को, दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसीलिए इस प्रोसेस को बोला है आइसोथर्मल हीट सप्लाई। और जब ये आप हीट सप्लाई करोगे ना, तो पिस्टन की हो सकता है ऐसे पिस्टन मूव करेगा इधर की डायरेक्शन में, फोर्स लगाएंगे गैसेस, गैसेस फोर्स करेंगी, पिस्टन मूव करेगा, और हो सकता है कि पिस्टन यहाँ जा करके रुक जाए, है ना। तो थोड़ा सा एक डायग्राम मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, चलो इसमें क्लियर होगा आपको, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसी में लिख देता हूँ, हीट सप्लाइड एट, हीट सप्लाइड, क्यू, क्यू सप्लाइड का मतलब हीट सप्लाइड, किस पे, टेम्परेचर कांस्टेंट,
कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और जब हीट सप्लाई आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे करते हैं तो आपको क्या क्या वेरिएशन मिल रहा है, वॉल्यूम इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग, प्रेशर इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। सर एंट्रोपी का क्या है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड एंट्रोपी, हमें चार पैरामीटर देखने हैं पी वी टी और एस। टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यहाँ से हमने देखा हीट सप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, मतलब गैसेस जब चेंबर के अंदर आएंगी, हीट सप्लाई जब आप करोगे तो चेंबर के अंदर आएंगी तो गैसेस का टेम्परेचर कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप हीट सप्लाई करें, गैसेस एक्सपेंड करेंगी, और जब एक्सपेंड करेंगी तो पिस्टन का मूवमेंट होगा। वही है, पिस्टन मूवमेंट करेगा तो क्या है, इसका मतलब गैसेस एक्सपेंड कर रही हैं। एंट्रोपी, एंट्रोपी की बात करें तो हीट सप्लाइड, वेन एवर हीट सप्लाइड क्यू इंक्रीजेस, हीट सप्लाई करोगे तो, हीट सप्लाई करोगे तो क्यू विल इंक्रीज, वेन एवर क्यू इज इंक्रीज एंट्रोपी विल इंक्रीज, है ना। जब भी आप हीट सप्लाई करोगे एंट्रोपी बढ़ेगी। यहाँ से हमने चारों पैरामीटर देख लिए, इसको ध्यान दे, इसको ध्यान दे, और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट इसको ध्यान दे, ठीक है। तो एंट्रोपी विल इंक्रीज, आगे वाले डायग्राम में हम टीएस डायग्राम बनाएंगे, क्लियर। टीएस डायग्राम बना ले आप, टीएस डायग्राम, कांस्टेंट टेम्परेचर, हमारी कंडीशन क्या है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन कैसे बनेगी, सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी, है ना, दिस इज पॉइंट। अच्छा, हम एरो को दिखाएं, एंट्रोपी बढ़ेगी, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एंट्रोपी विल इंक्रीज व्हेन एवर हीट इज सप्लाइड, जब भी हीट्स आप सप्लाई करोगे, दिस इज टी टू इक्वल्स टू टी वन, दिस इज पॉइंट टू, और यहां पर आप देख सकते हैं एस वन एंड दिस इज एस टू, है ना। एंट्रोपी, एंट्रोपी इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है। तो इसी प्रोसेस को, वो पीवी डायग्राम था, ये हमने क्या बना दिया, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर यानी आइसोथर्मल, और हम देख सकते हैं कि प्रेशर इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, क्लियर है सर। फिर भी ये मतलब थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेनेशन देखोगे, आपने बाकी सब वॉल्स को इंसुलेट क्यों किया है, बाकी सब वॉल को देखिए, ये पिस्टन सिलेंडर डिवाइस था, खाली एक ही सरफेस को मैंने कंडक्टिंग सरफेस कहा है, इस वाली सरफेस को कंडक्टिंग सरफेस कहा है मैंने, यहाँ से, इसका मतलब खाली इस सरफेस से हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है इस सरफेस से, इसलिए इसको कंडक्टिंग सरफेस कहा है। और बाकी सरफेस क्या है, बाकी सरफेस इंसुलेट है, इंसुलेट इसलिए करा है कि जब आप हीट सप्लाई करो तो बाकी सब सरफेस से, जो रिमेनिंग सरफेसेस हैं, मतलब जैसे पिस्टन सिलेंडर ऐसा है ना, ये ऐसे सिलेंडर है, पिस्टन ऐसे मूवमेंट कर रहा है, हमें इस साइड से हीट को सप्लाई करना है, और सरफेस को आपको क्या कर देना है, उसकी आउटर सर्कुलर शेप को क्या कर देना है, आपने इंसुलेट कर देना है। यहाँ आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, है ना, हम साइड व्यू इसका देख रहे हैं, सिलेंडर का साइड व्यू देखोगे तो क्या आपको दिखेगा, रेक्टेंगल। तो हम हीट सप्लाई खाली फ्रंट सिलेंडर हेड से कर रहे हैं, और बाकी सब साइड क्या है, इंसुलेट कर रखी है। एक और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जब हम कॉर्नोट साइकिल पढ़ते हैं तो उसमें आइसोथर्मल का बहुत बड़ा रोल है, दो प्रोसेस होती हैं आइसोथर्मल, बिल्कुल यही एक प्रोसेस होती है आइसोथर्मल हीट सप्लाई एंड आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा होता है हीट रिजेक्शन एंड कंप्रेशन, ठीक है। तो इसका टीएस डायग्राम हमने देख लिया थोड़ा, तो देख लें आइसोथर्मल क्लोज सिस्टम वर्क के पहले, मतलब इसके दो केस हमने देखे, आइसोथर्मल हीट सप्लाइड, और दूसरा केस हम क्या देख रहे हैं, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, है ना। तो हीट रिजेक्शन देखो, यहाँ पर दो कंडीशंस दी हैं, मतलब जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो एमआरटी राइट हैंड साइड की पूरी टर्म कांस्टेंट हो जाती है, और पीवी आपको मिलता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, इसका मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। और हमने एक चीज़ देखी थी कि जब आप हीट सप्लाई करते हो तो एक्सपेंड करती हैं गैसेस, और जब आप हीट रिजेक्ट करते हो तो कंप्रेस होती हैं गैसेस, तो कंप्रेस होने का मतलब वॉल्यूम कम होगा, कंप्रेस होने का मतलब वॉल्यूम कम होगा, और एक्सपेंड करने का मतलब वॉल्यूम
इंक्रीज करेगा। तो हीट रिजेक्शन का मतलब क्या है, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, प्रेशर विल, मतलब आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन प्रेशर विल, भाई देखो एक थोड़ा सा और लॉजिक अगर आप देखोगे तो हीट रिजेक्शन, हीट तो तभी रिजेक्ट होगी ना जब जिस जगह से आपको हीट को रिजेक्ट करना है वहाँ प्रेशर ज़्यादा हो, ज़्यादा प्रेशर से ही तो बाहर कम प्रेशर में निकलेंगी हीट, तो प्रेशर विल इंक्रीज एंड देयर बाई वॉल्यूम विल डिक्रीज, ये है कंप्रेशन की कंडीशन। तो पहला पैरामीटर टेम्परेचर हो गया, दूसरा प्रेशर हो गया, तीसरा मैंने आपको बताया है कि ds एंट्रोपी इक्वल्स टू dq बाई टी। जब आप हीट रिजेक्शन करोगे, जब आप हीट रिजेक्ट करोगे तो क्या होगा, जब आप हीट रिजेक्ट करोगे तो q विल डिक्रीज, मतलब q विल डिक्रीज एंड देयर बाई एंट्रोपी विल डिक्रीज। हमें चारों पैरामीटर देखने थे, p, v, t और s, हीट रिजेक्शन में ये कंडीशन है, इसके पी वी और टी एस डायग्राम बनाएंगे। तो हमने अब थोड़ा इसे आगे की साइड में जगह बड़ी रख रहा हूँ ताकि पिस्टन सिलेंडर डिवाइस पे आपको ढंग से दिखा सकूँ, पी वी डायग्राम उस साइड हम बनाएंगे टी एस डायग्राम। तो प्रेशर वॉल्यूम, हमेशा प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे ही लाइन आएगी कुछ इस तरीके की, है ना। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन जब होगा तो प्रेशर विल इंक्रीज, इंक्रीज तो डायरेक्शन क्या होगी, प्रेशर इंक्रीज की ये डायरेक्शन है, दिस इज पॉइंट, उसको मैंने 1, 2 कह दिया था, दिस इज पॉइंट 3 एंड 4 कंप्रेशन, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन एंड कंप्रेशन, एंड कंप्रेशन, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन एंड क्या कह दें इसको, कंप्रेशन, कंप्रेशन याद रखना भाई साहब, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन एंड कंप्रेशन, आइसोथर्मल हीट सप्लाइड एंड एक्सपांशन, दो टर्म है, जब आप हीट सप्लाई करोगे तो एक्सपांड होगा, जब आप हीट रिजेक्ट करोगे तो इसका मतलब कंप्रेशन करोगे तभी हीट रिजेक्शन होगा, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड हीट रिजेक्शन भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, उससे पहले वाली टर्म में हमने बोला था, अच्छा इसको बोलेंगे हीट सप्लाइड आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड हीट निकलने का साइन है, हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन, है ना। और हमने क्या देखा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट और क्या हो रहा था, प्रेशर इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, टेम्परेचर इज, टी और एस की हमें बाद में उधर जरूरत पड़ेगी, पिस्टन सिलेंडर डिवाइस पे देख लें हम इसको, यहाँ पे पिस्टन है, यहाँ पे पिस्टन है, दिस इज स्टेट, स्टेट थ्री, और जब पिस्टन इधर आएगा तो पिस्टन कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर, ये क्या है स्टेट, स्टेट फोर, ये क्या है सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड। अरे कंप्रेशन भी करोगे तो आप हीट रिजेक्ट करना चाहते हैं तो बाकी सारी सरफेसेस को आप क्या कर दोगे, इंसुलेटेड, दिस इज इंसुलेटेड, वॉल्स आर इंसुलेटेड, और ये क्या है पिस्टन सिलेंडर, नहीं तो कोई बच्चा बोले कि क्या है सर ये पिस्टन, मतलब क्या चीज है,
आप क्या करोगे, हीट रिजेक्शन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जो गैसेज हैं, ये जो गैसेज थी, ये पोजीशन है पिस्टन की, ऐसा मत बोलना दो पिस्टन है, ये पिस्टन यहाँ था, मूव करते 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 यहाँ आया, तो देखो यहाँ पर ये था, कंप्रेस हो रही है, क्या होगा, देखो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर यहाँ पे सिलेंडर हेड है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, और बढ़े हुए प्रेशर के साथ साथ क्या हो रहा है, मतलब वॉल्यूम कम होते जा रहा है, वॉल्यूम कम होते जा रहा है, और साथ में क्या है, हीट रिजेक्शन, ये क्या है, हीट रिजेक्शन, ये क्या है, हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन, रिजेक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर कहाँ जा रही है, ये हीट, हीट सिंक है, ये हीट सिंक। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक होता है हीट सोर्स, दूसरा होता है हीट सिंक। हीट सोर्स क्या होता है, जो एनर्जी को देता है वो हीट सोर्स, जो एनर्जी को लेता है वो हीट सिंक। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हीट सोर्स मतलब हम बोलते हैं कि एक ऐसा सोर्स है जो कंटिन्यूअस एनर्जी को सप्लाई कर सकता है विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, जैसे सन की एनर्जी है इनफाइनाइट है, भले कितनी एनर्जी उससे लेते रहो चेंज नहीं होगी। एटमॉस्फेयर की हीट को आप किसी तरीके से यूटिलाइज कर पाए तो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर, उसकी हीट लेने से टेम्परेचर कम थोड़ी होगा, बहुत बड़ा एनवायरमेंट है। सिंक भी उसी तरीके से, जहाँ पर आप हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, अगर वो बड़ा एनवायरमेंट है तो आप अगर उसमें 150 किलोजूल, 1000, 2000, लाख में भी किलोजूल एनर्जी ऐड कर दोगे तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ना है। जैसे एटमॉस्फेयर है भाई, मान लो कि जनरेटर आप घर में यूज़ कर रहे हैं, जनरेटर का जो धुआं है वो एटमॉस्फेयर में जा रहा है, कितना टेम्परेचर उसका डिफरेंस आ रहा है, मतलब सिंक है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते रहेगा विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर तो एटमॉस्फेयर का इसलिए बढ़ जाता है कि सन रेडिएशन भी साथ में आ रही है तब। तो पिस्टन इधर मूव करते जा रहा है, पिस्टन क्या कर रहा है, पिस्टन मूव करते जा रहा है, और यहाँ से इसको कंडक्टिंग सरफेस है, ये तो इंसुलेटिंग है दोनों सरफेस, जैसे ये मैं आपको बता रहा था पिस्टन सिलेंडर डिवाइस ऐसे मूव कर रहा है, मान लो पिस्टन ऐसे मूव कर रहा है, ये सिलेंडर हेड है, तो जो वॉल है इन वॉल्स को हमने इंसुलेट कर दिया, जो सिलेंडर हेड है दैट इज वर्क एज अ कंडक्टर। कॉर्नोट साइकिल में यही है, कोई बताता नहीं, मैं आपको बताऊंगा जब कॉर्नोट साइकिल करूंगा, तो चारों प्रोसेस के चार पिस्टन डिवाइस बना करके आपको दिखाऊंगा। तो ये क्या है, कंडक्टिंग सरफेस, कंडक्टिंग सरफेस कौन सा है, फ्रंट, मतलब सिलेंडर हेड, इसको सिलेंडर हेड बोलते हैं, क्लियर। तो TS डायग्राम इसका हम देखें, PV डायग्राम हो गया, TS डायग्राम, टेम्परेचर कांस्टेंट की लाइन तो ऐसे ही जाएगी। अब हमने एरो डिसाइड करना है कि एरो की डायरेक्शन क्या होगी, हमने ये देखना है कि एरो की डायरेक्शन किधर होगी, मतलब लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, क्या कर रहे हैं हम, कंप्रेशन, कंप्रेशन करेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, हीट रिजेक्ट हो रही है इसलिए एंट्रोपी घटे। मॉलिक्यूल्स में जब एनर्जी को आप सप्लाई करते हो तो मॉलिक्यूल में एनर्जी आती है तो वो इधर उधर भागते हैं, जितनी रेंडमनेस बढ़ेगी उतनी एंट्रोपी बढ़ेगी, जितनी रेंडमनेस कम होगी उतनी एंट्रोपी कम होगी, तो एंट्रोपी विल डिक्रीज, टेम्परेचर विल कांस्टेंट। तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये क्या है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड हीट रिजेक्शन। एक चीज मैं आपको बताऊं, शायद आप कंफ्यूज हो कभी देख करके, कॉर्नोट साइकिल की भी हम बात करते हैं ना, तो हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शन बोलते हैं, कभी कंप्रेशन नहीं बोलते या एक्सपेंशन नहीं बोलते, बहुत सारी बुक में कहीं लिखा है कहीं नहीं लिखा है, तो आप हमेशा ये बोल सकते हैं
कि जब जब हीट रिजेक्शन होगा तब तब वहाँ पर कंप्रेशन होगा, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है और हीट सप्लाई होगा तो एक्सपेंशन होगा अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है। लेकिन आइसोथर्मल पिस्टन सिलेंडर डिवाइस की हम बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर है, ठीक है। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड हीट रिजेक्शन, टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, प्रेशर विल इंक्रीज, वॉल्यूम विल डिक्रीज, एंट्रोपी इज डिक्रीज, एंट्रोपी विल डिक्रीज। तो ये आपके जो है पी वी टी एस डाइग्राम हो गए हैं, इनको नोट कर लो। ये दोनों डाइग्राम में एक जगह बना दूंगा और उसके बाद हम इसका डेरिवेशन करते हैं, नोट कर लीजिए आप, ठीक है। तो इसके पी वी टी एस डाइग्राम बनाता हूँ मैं, तो बनाऊंगा और इसको फॉरवर्ड थोड़ा फास्ट स्पीड में चला दूंगा। अगर किसी को फिर से इसको देखना हो, पहले हम देख चुके हैं सारी चीज़ें जो बना रहा हूँ, इसको देखना है तो स्लो मोशन में कर लें इसको, ठीक है। कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग, हम एंट्रोपी ये हम पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा मैंने डायग्राम बना दिए हैं, किसी को अगर समझना है तो देख लें। वन से टू में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है और एंट्रोपी कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है इसलिए कंप्रेशन हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है इसलिए हम क्या बोलते हैं कंप्रेशन हो रहा है, और साथ में सिलेंडर से हीट रिजेक्ट भी हो रही थी, हमने पिस्टन सिलेंडर डिवाइस में देख लिया था, है ना। पिस्टन सिलेंडर डिवाइस की जो पोजिशन आप सेट करना चाहें वो कर लें, इसको आपने इंसुलेट कर दिया था और ये कंडक्टिंग सरफेस हो गई थी, ये क्या थी कंडक्टिंग सरफेस, कंडक्टिंग सरफेस, कंडक्टिंग सरफेस थी, ठीक है। अब हमें इसका डेरिवेशन करना है, डेरिवेशन करना है तो सबसे पहले कंडीशन डब्ल्यू क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम वर्क इक्वेशन, क्लोज्ड सिस्टम वर्क, W क्लोज्ड सिस्टम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन P डॉट dV, है ना। आप बता लें हम किसकी बात कर रहे हैं, आइसोथर्मल, फॉर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक। यहां से आपको क्या मिल गया, देखो आपको इंटीग्रेशन करना है तो प्रेशर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट इनटू वॉल्यूम। इसका मतलब मैं इस पे क्या लिख सकता हूँ कि प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट को किससे डिनोट कर दिया, सी से, तो सी डिवाइड बाई वी, प्रेशर को मैं क्या लिख दूँ, सी डिवाइड बाई वी, सी डिवाइड बाई वी, पुट हियर, यहाँ पे आप पुट करेंगे इसको तो W क्लोज सिस्टम, जब वैल्यू आप पुट कर देंगे तो सफिक्स में तब आप लिख देंगे आइसोथर्मल इक्वल्स टू इंट्रीकेशन, इंट्रीकेशन ये वैल्यू हम रख रहे हैं यहाँ से, है ना। इसको अगर मैं कह दूँ कि दिस इज इक्वेशन वन, इसको कह दूँ, है ना, तो पुट इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सी डिवाइड बाई वी इंटू डी वी, सी डिवाइड बाई वी इंटू डी वी, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लें, सी इज कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लें, इंट्रीकेशन के अंदर क्या बचा, वन डिवाइड बाई वी इंटू डी वी, ओके। सबको पता है कि वन डिवाइड बाई एनी वैल्यू इंटू इंट्रीकेशन ऑफ दैट वैल्यू विल बी वॉट, लॉग बेस ई ऑफ दैट वैल्यू, तो ये हो जाएगा c इंटू लॉग बेस e इंटू v, और लिमिट, लिमिट लगा देंगे भाई, लिमिट वन टू टू, वन टू टू लिमिट यहाँ भी लगेगी, सो v1 वन टू वी टू, है ना। मैं यहाँ पर लिख दूँ लॉग बेस e को, मैं जब भी लिखूँगा क्या लिखूँगा, ln, लॉग बेस e को हम क्या लिख लेते हैं, ln, एल एन, तो यहाँ क्या लिखूँगा, सी एल एन, सी एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन,
ठीक है, इसको जब मैं आगे और बढ़ाऊंगा तो सी, सबको पता होगा कि एल एन ए माइनस एल एन बी को हम क्या लिख सकते हैं, एल एन ए बाई बी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सी एल एन वी टू बाई वी वन, एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन क्लोज सिस्टम आइजोथर्मल, आइजोथर्मल, दिस इज द आइजोथर्मल क्लोज सिस्टम वर्क इक्वेशन। यहाँ पे थोड़ा और आगे तक हम इसको बढ़ाएंगे, सी की वैल्यू हम कितनी समझ सकते हैं। देखो पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ऐसे हम बोले हैं, क्यों, जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था तो पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब है क्या है, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू एम आर टी, मतलब आप पी वी को भी कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं, एम आर टी को भी कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं। और कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है कि प्रोसेस में, पूरी एक प्रोसेस में वैल्यूज सेम है, टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट का मतलब है कि अगर मैं इसको 1 से 2 में लगाऊं तो टी टू इक्वल्स टू टी वन, इसका ये मतलब है। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, टेम्परेचर में चेंज नहीं है, टी टू इक्वल्स टू टी वन। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है कि दो प्रोसेस के बीच में, जैसे 3 और 4 है ना, तो 3 पर P3V3 की जो वैल्यू होगी वही 0.4 पे P4V4 की होगी। समझिएगा, जरा इस बात को समझिएगा, बोल रहे हैं कि जैसे 1 और 2 पॉइंट है, तो इसका ये बताना चाह रहा है कि P1V1 की वैल्यू जो 0.1 पे होगी वही सेम वैल्यू P2V2 का प्रोडक्ट होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे P1V1 लिखूँ और यहाँ पे लिखूँ P2V2 लिखूँ, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, बिल्कुल सेम चीज P3V3 और P4V4। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा P3V3 एंड P4V4 ये भी सेम होगा, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि P1V1 इक्वल्स टू P2V2 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू, अगर मैं इसको यहाँ पे T1 T3 लिख दूँ, T1 T2 T3 और T4, तो दो प्रोसेस के बीच में हम क्या लिख सकते हैं, MRT1 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू MRT2, है ना। जैसे यहाँ पर अगर लिख दिया दिस इज T1, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा T2 एंड T2 विल बी T1। तो इसका मतलब क्या है, मैं अगर इसको यहाँ पर MRT1 लिखूँ चाहे MRT2 लिखूँ, ये इक्वेशन सेम आएगी। ये सब कुछ क्या होगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू सी, सी माने क्या, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट। ये आप वैल्यू यहाँ पर रख लें, ये सी की कोई भी वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं, आप सी की कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, सी की कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो आप कहो तो इसकी कई सारी इक्वेशन मैं बना करके बता देता हूँ। दिस इज द आइजोथर्मल क्लोज सिस्टम वर्क इक्वेशन, यहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन सी की वैल्यू, एक और चीज़ आप याद रखेंगे कि P और V जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू C ln, याद रखना है V2 by V1 को हम P1 by P2 भी लिख सकते हैं, है ना। दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू दिस इक्वेशन, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू दिस, मतलब W क्लोज सिस्टम आइसोथर्मल इक्वल्स टू C ln V2 by V1 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू C ln P1 by P2। मैं इसको P1 by P2 मैंने क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा है, मैं बता दूं कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको लिखूंगा P1 by P2 इक्वल्स टू V2 by V1, यहाँ पर आप वैल्यू रख करके भी देख सकते हैं, है ना। इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो P एंड V इन्वर्सली है, तो जहाँ P1 तो सामने वाले में V2,
नीचे अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, है ना। पी वन बाई पी टू इक्वल्स टू वी टू बाई वी वन लिख सकते हैं। तो वी टू बाई वी वन को मैंने पी वन बाई पी टू लिख दिया। इसके जो भी फॉर्म बनते हैं वो मैं अभी यहाँ पर इसको इरेज करके आपको बता देता हूँ। ऑल फॉर्म, ऑल फॉर्म इक्वेशंस, तो डब्ल्यू क्लोज सिस्टम इक्वल्स टू सी एल एन वी टू बाई वी वन, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू सी एल एन पी वन बाई पी टू। ओके, सी को हम लिख सकते हैं एम आर टी वन एल एन वी टू बाई वी वन इक्वल्स टू एम आर टी वन एल एन पी वन बाई पी टू, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको इतनी सब इक्वेशन याद रखने हैं, आपको तो ये याद रखना है और ये कैसे बनती है वो याद रखना है। दूसरी इक्वेशन हम लिख लेंगे एम आर टी टू एल एन वी टू बाई वी वन इक्वल्स टू एम आर टी वन सॉरी एम आर टी टू एल एन एल एन पी वन बाई पी टू। ये सब और में है, और क्या बन सकती है, पी वन सी को क्या लिख सकते हैं, सी को लिख सकते हैं मेन मतलब आपका यही है सी कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यूज़ में खाली चेंज कर रहा हूँ, तो पी वन वी वन एल एन वी टू बाई वी वन दैट इज इक्वल्स टू पी वन वी वन एल एन पी वन बाई पी टू। ये सारी इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल हैं, दैट इज इक्वल्स टू और पी टू एल एन वी टू बाई वी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू एल एन पी वन बाई पी टू। W क्लोज सिस्टम आइसोथर्मल, यू कैन यूज एनी इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल। ओके, तो फ्रेंड्स नोट कर लीजिए आप। यहाँ पर अगर हम पार्ट की बात करें तो पहले हमने ये वाला पार्ट देखा फर्स्ट, है ना, उसके बाद हमने ये वाला पार्ट देखा सेकंड, तो कन्फ्यूज़न ना हो। तीसरा हमने ये वाला पार्ट देखा थर्ड, ठीक है, नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए एडियाबेटिक क्लोज सिस्टम वर्क की इक्वेशन हम डिराइव करेंगे, और साथ में पॉलीट्रॉपिक भी देख लेंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थैंक यू। अब फिर भी एक प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो आइसोथर्मल का मीनिंग बहुत ढंग से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आइसोथर्मल का मीनिंग क्या है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे या तो आप हीट सप्लाई करो, मतलब आइसोथर्मल हीट सप्लाई और आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। सर कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैसे करें, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। वैसे तो हमने इसको बहुत डीप में पढ़ना है, दो टाइप की चीज़ें आपको याद रखनी है, सेंसिबल हीट सेंसिबल हीट, और दूसरी आपको याद रखना है लेटेंट हीट। देखो सेंसिबल हीट लेटेंट हीट, और दो चीज़ याद रखना है कि जब आप किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका फेस चेंज नहीं होता, और दूसरा है कि जब आप किसी सब्सटेंस का फेस चेंज करना चाहते हैं
तो टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना पड़ता है। अब ये सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट क्या है? सेंसिबल हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री। मतलब किसी सब्सटेंस का, जैसे 1 kg आपने सब्सटेंस लिया, उस सब्सटेंस का 1 degree टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना आपको हीट रिक्वायर्ड होगा, या तो हीट एब्स्ट्रैक्ट करोगे या हीट रिजेक्ट करोगे टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने के लिए, वो हीट जो है उसको बोलते हैं सेंसिबल हीट। लास्ट में हम एक लाइन लगा देते हैं, विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। मतलब हम बोलें कि सेंसिबल हीट में क्या होता है, टेम्परेचर विल इंक्रीज और डिक्रीज, है ना, बट टेम्परेचर विल इंक्रीज और डिक्रीज बट फेज इक्वल्स टू कांस्टेंट। हालांकि यहां पर हमारे सब्जेक्ट के काम का इतना नहीं है, अगर आपको सिंपल वे में समझ में आ गया हो तो इसको आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा उसके लिए मैं बता रहा हूं एक्स्ट्रा, है ना। सेंसिबल हीट, दूसरा होता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ यूनिट सब्सटेंस विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर। मतलब किसी भी सब्सटेंस का जब आप फेज चेंज करना चाहते हैं तो आपको कितनी हीट उसको देना पड़ेगी या कितनी हीट उस सब्सटेंस से निकालना पड़ेगी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, है ना। लेटेंट हीट में क्या होता है, टेम्परेचर टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड फेज चेंज, एंड फेज चेंज। देखिए हमने क्या करा कि आगे हम एक डायग्राम पढ़ेंगे, TS डायग्राम, है ना, फेज ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। आगे आने वाली यूनिट्स में हम पढ़ेंगे फेज ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम, उसमें एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन चलो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आइसोथर्मल हीट सप्लाई या हीट रिजेक्शन होगा। तो मैं डायग्राम से आपको बताना चाह रहा हूँ, आपने ये आइस बनाना चाह रहे हैं, हम वाटर से आइस बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, ये कैसे बनती है एक्चुअल में, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप इधर आते हो तो देखो TS डायग्राम है, जब देखो जब आप यहाँ से, जैसे कि मैंने इसको कह दिया पॉइंट ए बी सी और डी, थोड़ा जल्दी मैं आपको बताऊंगा, है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ है ये। जैसे यहाँ पे मैंने टेम्परेचर बता दिया, टेम्परेचर TA इक्वल्स टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको आइस बनानी है दैट इज़ TB इक्वल्स टू TC इक्वल्स टू 0 degree centigrade, और यहाँ पे माइनस में है TD दैट इज इक्वल्स टू माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत जल्दी समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए हम पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, यहाँ पर क्या है, पॉइंट A पर क्या है, वाटर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। पॉइंट बी पर आप देखोगे तो क्या बनेगा, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी हमने पढ़ा सेंसिबल हीट लेटेंट हीट, जब आप हीट एडिशन करोगे या हीट रिमूवल करोगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, फेज नहीं चेंज होगा, तो सेंसिबल हीट। जब जब टेम्परेचर चेंज हो सेंसिबल हीट, जब जब टेम्परेचर चेंज ना हो फेज चेंज हो तो लेटेंट हीट। तो यहाँ पर देखिए ए से लेकर के बी तक में क्या है, देखो टेम्परेचर इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग, मतलब यहाँ पर क्या है, सेंसिबल हीट यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग और फेज क्या है, एंड फेज कांस्टेंट आप लिख सकते हैं यहाँ पर, एंड फेज इक्वल्स टू कांस्टेंट। आगे हम इनको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने वाले हैं, इन शॉर्ट बता रहा हूँ आपको अभी।
मतलब आपने क्या करा, फ्रीज़र के अंदर वाटर को रख दिया जिसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने जब फ्रीज़र के अंदर रखा तो वहाँ पे धीरे 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 उसका टेम्परेचर घटते गया घटते गया घटते गया घटते गया, और वाटर 20 डिग्री, वाटर 18 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, 8 डिग्री, 5 डिग्री, 3, 2, 1। और जैसे ही उस वाटर का टेम्परेचर जीरो होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर विल कन्वर्टेड टू वाटर विल स्टार्ट टू कन्वर्टेड इन टू आइस। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या है वाटर, ये भी क्या है वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पॉइंट पॉइंट बी पर वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंसिबल हीट, जैसे हमने ये डायग्राम बना लिया, हमने ये डायग्राम बनाया 1, 2, A, B, C, D हमने बता दिए, और आप टेम्परेचर घटा रहे, इसका मतलब क्या है, सेंसिबल हीट रिमूवल। ये क्या है, सेंसिबल हीट रिमूवल, सॉरी सेंसिबल हीट रिजेक्शन, सेंसिबल हीट रिमूवल कहें चाहे इसको, सेंसिबल हीट रिजेक्शन, सेंसिबल हीट रिजेक्शन। भाई देखिए ना, हीट रिजेक्ट तो हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है यानी हीट रिजेक्ट तो हो रही है, आपने क्या करा, ये हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन है ना, हीट रिजेक्शन, बट क्या हो रहा है, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, टेम्परेचर घट गया। पॉइंट बी पर जैसे ही हम आएंगे, वाटर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा। अब इस वाटर का जो जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये वाटर अब धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, आइस में। मतलब यहाँ पर अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर वाटर के ये मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, लेकिन इस वाटर का टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। पॉइंट बी पर अगर आप देखोगे, यहां पर भी वाटर क्या है, वाटर ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर इक्वल्स टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर ही है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। आप इससे जैसे ही हीट रिजेक्ट करेंगे, हीट रिजेक्शन किस पे, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और जो हीट रिमूवल होगा ये क्या है, सेंसिबल हीट, यहाँ पे सेंसिबल था, यहाँ पे क्या होगा, लेटेंट हीट रिमूवल। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, लेटेंट हीट रिमूवल, लेटेंट हीट रिमूवल, लेटेंट हीट रिमूवल है ना। अब पॉइंट सी पर जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 50% वाटर एंड 50% आइस। इसमें जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, 0% आइस, 10% आइस, 20% आइस, 30, 40, 50% आइस, 60% आइस, 70, 80, 90, 100% आइस। लेकिन पॉइंट बी से पॉइंट सी तक टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो पॉइंट सी पर आप क्या बोल सकते हैं, आइस ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आइस आइस जो है वो कितने की है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की है पॉइंट सी पर। और इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो डायग्राम आप कुछ इस तरीके से इसका देख सकते हैं, आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर से लेकर के 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस तक जितनी आपने हीट रिमूव करी है, दैट इज आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। इसको आप क्या बोलेंगे, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। तो यहाँ पर पॉइंट बी से लेकर के सी तक हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन,
आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। भाई साहब बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जब हम ऊपर जाएं, अच्छा एक टर्म इसमें और बच रही है कि सी से लेकर के डी। अब अगर आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस बना ली है और उस आइस से को आपको माइनस में ले जाना है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। सर हमने आइस बना ली, माइनस में क्यों ले जाना है? क्योंकि जो आइस प्लांट होते हैं वो आइस बना करके कहीं और उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं। अगर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस बनाएंगे तो जैसे ही थोड़ी सी हवा लगी वो कन्वर्ट किस में होने लगेगा, वो मेल्ट होने लगेगी आइस। आइस मेल्ट होने लगेगी और धीरे धीरे वो पानी में कन्वर्ट होने लगेगी, वाटर में, है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं जो आइस प्लांट वाले होते हैं वो लगभग इसका -10, -20, -30 डिग्री टेम्परेचर माइनस में ले जाते हैं, जिससे क्या है कि अगर आप ओपन एटमॉस्फेयर में भी कुछ देर उसको छोड़ देंगे तो पहले उसका टेम्परेचर -10 से -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, 1 और 0 पे आएगा, -1, 0। तो इसीलिए हम जो है आइस को का टेम्परेचर माइनस में बना करके रखते हैं, अगर आपको ज़्यादा हार्ड आइस रखनी है, लंबे समय लॉन्ग ट्रांसपोर्ट पे ले जाना है। तो यहाँ पर अगेन क्या हुआ, टेम्परेचर इज गोइंग टू बी डिक्रीजिंग और जो हीट सप्लाई होगी वो कौन सी होगी, अगेन सेंसिबल, है ना, सेंसिबल हीट। तो यहाँ क्या है, जब टेम्परेचर घटे तो सेंसिबल हीट, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो लेटेंट हीट, फिर से घटा तो सेंसिबल हीट, और जब जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब तब लेटेंट हीट रिमूवल होगा, और लेटेंट हीट रिमूवल की प्रोसेस को ही हम बोलते हैं लेटेंट हीट रिमूवल और लेटेंट हीट एडिशन या सप्लाइड, उसी को हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। देख लो आइसोथर्मल, कांस्टेंट टेम्परेचर भी फेज चेंज हुआ है, है ना। तो ये एक मैंने प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे आपको बता दिया कि अगर किसी के दिमाग में हो कि सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस होती है, नहीं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पहले वाटर होता है और उस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर से जब हम हीट को रिमूव करते हैं तो वही 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में। मतलब आप ये नहीं बोलें अब कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस होता है वाटर, नहीं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की दोनों चीज़ें पॉसिबल है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस, और दोनों का मिक्सचर भी। यहाँ पर देखो 50% क्या है, 50% आइस एंड 50% वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो जब हम ए से डी में आए तो क्या हुआ, आइसोथर्मल, मतलब बी से सी में, जब हम बी से सी में आए तो क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, और जब हम सी से डी में जाएंगे तो क्या होगा, आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस है। अब आपने क्या करा, सपोज कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस बना ली, उस आइस को फ्रीजर से निकाल करके एटमॉस्फेयर में रख दिया, क्या होगा, पहले तो वो आइस मेल्ट नहीं होगी, उसमें हीट एडिशन, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो मान लो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो आइस आपने रखी है, जो आइस आपने रखी है, आपने -10 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस रेफ्रिजरेटर से निकाली रख दी, अभी ये हार्ड आइस है, अब क्या होगा, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर से इसमें हीट सप्लाई होगी, एटमॉस्फेयर से हीट सप्लाई होगी, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, बड़ा, और ये आइस अभी मेल्ट होना स्टार्ट नहीं हुई डी से लेकर के सी तक। अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, आइसोथर्मल हीट सप्लाई जो हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी जो हमने देखा वो था आइसोथर्मल हीट रिमूवल, हीट को रिमूव किया, है ना। अब आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, आपने आइस बना ली ए से लेकर के डी तक, अभी डी कंडीशन है, एटमॉस्फेयर में आपने रख दी ओपन रूम में, कंटिन्यूस हीट एडिशन हो रहा है, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर -10 से बढ़ते हुए -9, -8, -7, -5, -4, -3, -2, -1, -0, जैसे ही ये जीरो पे गया, अब इसकी लेयर पे जो भी एयर मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे ये वाटर मॉलिक्यूल मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये आइस के पार्टिकल, और धीरे धीरे पॉइंट सी से लेकर के बी तक जब हम रिवर्स जा रहे हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे आइस मेल्ट होकर के वाटर बन जाएगा, पॉइंट बी पे जब आप देखोगे तो ये कंप्लीट वाटर रहेगा। क्लियर है, बिल्कुल सेम चीज़। आप अगर उसको ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दोगे तो पहले 25 आएगा, फिर
और ज़्यादा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा तो आगे जा करके 35 डिग्री सेंटीग्रेड एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। ये है कंसेप्ट हीट रिजेक्शन और आइसोथर्मल हीट सप्लाइड एंड आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको बता दी, आप चाहो तो इस पर्टिकुलर जो है टॉपिक को स्किप भी कर सकते थे जिसको आता है, ठीक है। तो आइसोथर्मल हीट सप्लाई हमने देख लिया, अब आइसोथर्मल हीट रिमूवल देख लें। इसकी डायरेक्शन आपने याद रखना है कि जब आप नीचे आ रहे थे तो क्या हो रहा था, जब आप नीचे आ रहे थे आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, एरो की डायरेक्शन याद रखेंगे आप, ये जब आप इधर जा रहे हैं तो आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, और जब आप राइट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या होगा, जब आप राइट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या होगा, हीट सप्लाइड, है ना। ये दो पार्ट में मैंने दिखा दिया ना, ये ऐसे करके, ये क्या है अगर देखेंगे तो इधर जा रहे हैं तो हीट सप्लाइड, इधर एरो की डायरेक्शन क्या बता रहा है, डी सी बी ए, मतलब हम अगर बी, अभी तो हम बात कर रहे हैं सी, सी से जब डी की तरफ जाएंगे तो हीट, सॉरी सी से बी की तरफ जाएंगे तो हीट सप्लाइड, और जब हम बी से सी की तरफ आएंगे तो हीट रिजेक्शन। लेकिन दोनों ही क्या है, आइसोथर्मल। एक और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये पूरी जो लाइन आपको दिख रही है टीएस डायग्राम पे, टेम्परेचर एंट्रोपी, जब हम हीट रिजेक्शन कर रहे थे देखो एंट्रोपी घटते जा रही है, और जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अभी जैसे ये एरो नीचे आ रहे हैं, अब एरो ऊपर जाएंगे। नॉलेज के लिए ये बता रहा था कि कांस्टेंट प्रेशर पे ये सब कुछ होता है, मतलब देखा जाए तो जब फेस चेंज होता है, मतलब जब भी हम फेस चेंज करते हैं, या आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन हो चाहे आइसोथर्मल हीट सप्लाई हो, वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है यहाँ पर। लेकिन हमारे पास यहाँ कंडीशन ऐसी नहीं है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। ये प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे हम आइसोथर्मल को समझेंगे कैसे, वो मैंने बताया है, ठीक है। गैसेस के केस में क्या है कि जब आप गैसेस को हीट अप करोगे, मतलब गैस सप्लाई करोगे, और मतलब गैस का तो फेस चेंज हम कर नहीं सकते, और जनरली जो हम प्रैक्टिकल बैकग्राउंड पे आइसोथर्मल हीट सप्लाई करते हैं वो गैसेस की हीट सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंसेप्ट अलग है, आपको मैं बताना चाह रहा था कि आइसोथर्मल हीट सप्लाई हीट रिजेक्शन एक्चुअल में होता कैसे है।